Everyone, this is Neha and you are watching Shanda Bizon. तो स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर पार्ट टू में। तो जिन लोगों ने भी पार्ट वन मेले का नहीं देखा है वो जाकर जल्दी से मेरे चैनल पर देख कर आए, और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और लाइक और कमेंट करना ना भूले। तो बिना देर किए चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने पे हमें मिलता है इलेक्ट्रिक तंदूर। जी हाँ, चलिए आपको दिखाते हैं, जो कि काफ़ी अमेजिंग था मेरे लिए। कितने का है ये? 3290। क्या क्या बनेगा इसमें? इसमें नान, रोटी, पिज्जा, चपाटा, केक, नान, बिस्कुट सब बनता है इसके। नेटिविटी सब बनाई है। 3000 प्राइस क्या बताए? 3290। पिज्जा भी बन जाएगा? पिज्जा, वीजा, आलू पराठा, आलू कुलचा सब बनता है इसके अंदर। और सबसे बड़े मज़े की बात ये है ना कि यहाँ पे पोटैटो फ्राइज, पिज़्ज़ा, लिट्टी सब कुछ बन रहा था। और सबसे बड़ी बात, वो लोग हमें टेस्ट करने को दे रहे थे। मतलब ये ना काफ़ी अच्छा था, मज़ा आ गया। मतलब मेला भी घूम लिया और बहुत अच्छा था ये, और हमें खाने को भी मिल गया। तो बहुत हम्बल थे, इनका अच्छा से भला हो ये हमारी दुआ है, क्योंकि इन्हें हमें खाना खिलाया। तो आलू बहुत ही अच्छा बना था, कुक इसमें बहुत अच्छे से हुआ था, मुझे बहुत पसंद आया। और साथ में इन्होंने पिज़्ज़ा भी बनाया था, वो भी इन्होंने हमें टेस्ट करने के लिए दिया। तंदूर तो अच्छा था ही, और इन लोगों ने पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनाया था, काफ़ी टेस्टी। इसका मतलब ये है कि जो मतलब बाहर में जो पिज़्ज़ा मिलता है ना शॉप पे, उससे भी ज़्यादा मुझे टेस्टी लग रहा था। तो इसका मतलब ये होता है कि इस तंदूर में पिज़्ज़ा बहुत अच्छा बनता है। तो सब कुछ बहुत अच्छा बना था जो भी हमने टेस्ट किया। तो जो भी लेना चाहे ना, मैं रिकमेंड करूँगी कि ये आप ज़रूर लें, जिनको भी लेने का मन हो। छोटा या बड़ा? अच्छा, ये छोटा है या बड़ा है? इसका प्राइस 2 पिज़्ज़ा। कल वैसे ही कीजिएगा, हम आएंगे। नेक्स्ट जब हम लोग आगे बढ़ते तो हमें मिलता है मैजिक स्टीमर, मल्टीपर्पज़ मैजिक स्टीमर, जो एक साथ बहुत सारे काम करता है। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी यूज़फुल लगा। तो जिनको लेना हो ना, वो प्लीज़ जाके ले ले, क्योंकि मेला बस एक दिन है। ये आयरन का काम भी करता है, साथ में ये ड्राई क्लीन का भी काम करता है, साथ में फेस स्टीम जो करना हो ना, हेयर स्पा करना हो तो उस पर भी ये काम करता है। इतने सारे चीज़ें इसके साथ किया जा सकता है। तो ये ऐसे ही वर्क करता है या कुछ इसमें पानी वगैरह डालना भी आते हैं? खाली आयरन नहीं है क्या? 6 अटैचमेंट भी दिए जा रहे हैं। पहला आ रहा है लेंट रिमूवल, कपड़ों पे लेंट बबल सेक्शन सेट आ जाता है, बबलिंग ये धागा धागा आता है। सेकंड आ रहा है क्लीनिंग के लिए, सोफा, कर्टन, कारपेट, टाइल्स कुछ भी क्लीन कर सकते हैं। सोप वाटर कॉलिंग अप्लाई करके वर्टिकली मशीन का टाइल्स क्लीन करेगा, क्योंकि नॉर्मल सोप वाटर से नहीं करता, इससे ईजिली क्लीन कर सकते हैं। थर्ड आता है ब्यूटी हेल्थ के लिए, विंटर में कप होल्ड रहता है, विक सप्लाई करके वेपर ले सकते हैं, फेशियल कर सकते हैं, कैल्स से दूर रखते हैं, ब्यूटी हेल्थ के लिए तो बहुत अच्छा है।
ये मुझे काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा। यहाँ पे भैया हमें बता रहे थे कि इसे कैसे यूज़ करना और कितने तरीके से ये यूज़ हो सकता है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। तो चलिए फिर आगे घूमते हैं, मेला देखते हैं थोड़ा। नेक्स्ट जो था वो था इलेक्ट्रिकल टूल, जो कि शॉप हो या घर हो तो हमें ना कभी इसकी ज़रूरत पड़ती है, तो ये काफ़ी अच्छा टूल था। इसमें एक ही में बहुत सारा है। कितने का ये? 250। मतलब इसी में बहुत तरह के सब आ जाएंगे। टू फिफ्टी बताए ना, इससे वायर चेक कर सकते हैं कहाँ ब्रेक है, जहाँ तक सही रहेगा लाइट आएगा, जहाँ खराब होगा वहाँ सब लाइट ऑफ हो जाएगा, जहाँ ठीक करेंगे तब आके सब ले जाएंगे। दीवार चल रहा है बाहर, घर आगे करेंगे तो नॉर्मल टेस्टर का भी काम करते हैं। ये क्या है? ये मैडम मैजिक क्लॉक, चकाचक लगा लग ना, ये देखिए इसको कम कितना देना है, बता। 100 दे रहे हैं फिक्स, 100 70 ना, 100 फिक्स 70 यार ना, 100 रुपीज़ गाड़ी के लिए, फर्नीचर के लिए, सूट पॉलिश के लिए, कार का डैशबोर्ड, बाइक पॉलिश के लिए आएगा, टेरे का सोफा, लकड़ी का फर्नीचर, सारा चीज़ पॉलिश कर सकते, पानी लिक्विड सर्फ साबुन कुछ भी नहीं लेना है, यूज़ करो वापस सब 6 महीना तक। अच्छा, यूज़ करो और रख दो इसको, इसको धोना फिर नहीं पड़ता है, फेंकना भी नहीं, यूज करते रहे 6 महीना तक, तो फिर ये गंदा नहीं होता है, ब्लैक भी हो जाएगा, ऐसा काम करते रहेगा, जैसे आपका ये जूता है इधर का, ऐसा घर में आपका जूता भी पॉलिश करेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सेकंड कितने का है ये? ये आपका 100 का मैडम, 1 पीस 100 का है, 3 पीस देंगे 250 का, 3 आता है। तो ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, क्योंकि ये डेली मतलब आपको जब भी बाहर जाना हो तो शूज़ क्लीन करना हो या आपको फर्नीचर क्लीन करना हो तो इससे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और यहाँ पर थे गर्ल्स फेवरेट एसेसरीज, हेयर एसेसरीज, क्लिप, बैंड, नेकलेस, रिंग वगैरह, जो भी आपको चाहिए हो, काफ़ी रिजनेबल प्राइस में थे और बहुत अच्छे अच्छे लग रहे थे मुझे। हाँ, तो हेयर एसेसरीज बहुत अच्छे लग रहे थे, वो भी 200 का है। ये सारे ड्रेसेस जो हैं वो 1000 के थे, और ये जो है ना ये थाईलैंड प्रोडक्ट थे, और इनका ना फैब्रिक काफ़ी अमेजिंग लग रहा था, बहुत ही अच्छा लगा। ये कुर्ती कितने का आ जाएगा? 800 कुर्ती 800 रुपये का है, पूरा सेट है, दुपट्टा भी है क्या इसमें? ओ ये और ये देख। मेले में ना ये जो सूट मिल रहता है ना 1000 के अंडर, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे, क्योंकि प्राइस के अकॉर्डिंग ना ये बहुत अच्छे थे, मतलब इनका मटेरियल, इनका वर्क काफ़ी फिनिश था, फिनिशिंग के साथ किया गया था, और साथ में इसमें दुपट्टा सेट भी था, और आप इसे, ये मटेरियल था, आप इसे सिलवा सकते थे, और बहुत ही अच्छे अच्छे कलेक्शन थे, मुझे बहुत पसंद आ रहे थे।
हमें लग गई थी भूख, तो फिर सामने था हमारे फूड कोर्ट, तो हम लोग वहाँ जाते हैं और देखते हैं फूड कोर्ट में क्या क्या है। और सच बताऊँ तो फूड कोर्ट में बहुत ही अच्छे अच्छे आइटम्स है। सबसे पहले आपको कूपन लेना पड़ता था, उसके बाद आप वहाँ पे जाके को जो भी आपको पसंद हो वो आप ले सकते थे। और ना यहाँ पे बहुत सारे आइटम थे, जैसे गुलाब जामुन, छोले भटूरे, डोसा और पाव भाजी, ये सब कुछ ना आपको हैंडेड में मिल रहे थे। मुझे यहाँ पर के जो खाने थे ना वो बहुत अच्छे लग रहे थे। यहाँ पर जो मुझे न्यू चीज़ देखने को मिली ना वो थी स्प्रिंग पोटैटो, जो कि फ्राई करके दे रहे थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ये मुझे थोड़े यूनिक लगे और इनका प्राइस था 80। ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो है ना ये अफ़गानिस्तान के थे और ये काफ़ी बहुत ही अमेजिंग लग रहे थे। काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में थे, मतलब खजूर तो पूछो ही मत, इतने बड़े। और यहाँ पे हर वैरायटी के चिप्स थे, मिक्सचर थे और ये सब ना तल के रखे हुए थे और ये सब हमें टेस्ट करने को भी दे रहे थे और सारे ना बहुत ही अच्छे थे, तो बहुत से लोगों ने यहाँ से लिया। ये कौन सा कपड़ा है, अच्छा लग रहा है। ये कौन सा कपड़ा है, कौन सा फैब्रिक है, ये कितने का है ये सेट? 1000। कोई भी 1000 पंजाबी सूट है, लाइनिंग बॉटम दुपट्टा कुर्ता 4 पीस सेट आएगा। ये देखो सर, हाँ रुक्सी ये देखो ना, हमको ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये 1000 का है सारा। लाइनिंग बॉटम दुपट्टा कुर्ता, ये 4 मीटर लेंथ है इसकी, 1.5 मीटर लाइनिंग और 2.5 मीटर पैंट। अच्छा पूरा सेट है ना, मतलब 4 पीस सेट। अच्छा लग रहा है, बहुत खूबसूरत पीस है। पैकिंग भी नहीं कराना, जैसा वैसे रहेगा, बबल की नहीं आएंगे, श्रिंक नहीं हुआ, कलर फेड नहीं हुआ, पहने हैं वो धोए जो।
यहाँ पर चॉकलेट्स जो है ना वो पर पीस 10 रुपीस थे, और ऊपर में जो भी लॉलीपॉप रखे हुए हैं वो सब ना, और कैंडी वगैरह रखे हैं, ये सब 40, 50, 60 ऐसे थे। ये केले के चिप्स थे जो कि ना बहुत टेस्टी होते हैं, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और हमें टेस्ट भी कराए गए तो मज़ा आ गया। तो मेला घूमते घूमते हो गई थी शाम और हमें घर जाना था, तो हम लोग निकलते हैं बाहर, और बाहर का भी नज़ारा कुछ ऐसा था। बाहर में भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो कुछ खा लेते, तो हमें मिलता है मलाई रोल, तो हम लोगों ने मलाई रोल का मज़ा लिया। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट और लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल।